आज का टॉपिक जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स क्यों फेल करते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन में हार्ड वर्क करने के बावजूद भी। क्या ये एग्जामिनेशन बहुत टफ है या इस एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स का कुछ मिस्टेक है, इसको बहुत ही अच्छे से ग्राफ के थ्रू बताएंगे। आप कनेक्टेड रहिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को, आपको पता चलेगा ग्राफ के थ्रू बताएंगे, ठीक है। सो इसका जो ग्राफ होता है वो बहुत ही सिंपल इस तरह का ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस पे रिप्लेस टाइम एंड वाई एक्सिस पे रिप्लेस परफॉर्मेंस, ऑलराइट, रिप्लेस परफॉर्मेंस, ठीक है। जो कोई अगर स्टूडेंट तैयारी शुरू करता है तो वो शुरुआत करते हैं यहां से, जब परफॉर्मेंस का लेवल जो होता है बहुत ही लोअर लेवल पे होता है, और वो शुरू करते हैं इनिशियल कुछ टाइम पीरियड में, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही छोटे समय में क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब यहाँ ये पहुंच जाते हैं, देन सेकेंड फेज जो आता है, सेकेंड फेज जो आता है वो ये फेज होता है, यहाँ पे टाइम तो बढ़ता है बट परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता है। एंड जो तीसरा फेज होता है, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, वो होता है फिर से परफॉर्मेंस के साथ, यहाँ पे टाइम बढ़ता है एंड परफॉर्मेंस बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो ये आपका ग्राफ होता है, इस ग्राफ को बहुत ध्यान से समझेंगे। जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं सो जीरो से एक लेवल तक पहुंचने में, लेट्स से किसी को हिस्ट्री समझ में आया, ज्योग्राफी समझ में आया, पॉलिटी समझ में आया, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सब पढ़ कर करके इन्होंने एक अपना लेवल बना लिया, ओके इस लेवल में पहुंच गए। अब जो ये जोन होता है, ये जोन सबसे स्ट्रगल वाला जोन होता है, जिसमें टाइम तो लगता है लेकिन परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज के बाद सैचुरेशन आ जाता है। यहाँ पे क्यों लैग करते हैं, क्योंकि यही पे जरूरत होता है अमंग द सेम लेवल ऑफ स्टूडेंट कंप्लीट करने का, विद द हेल्प ऑफ राइट स्ट्रेटजी, राइट मेंटरशिप, यहाँ पे चाहिए राइट स्ट्रेटजी, राइट मेंटरशिप, यहाँ पे चाहिए राइट यू नो गाइडेंस, राइट अप्रोच, सब कुछ, लक, ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर ओनली इन दिस जोन, इस जोन में होगा। और इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहां से इस जोन में समय बढ़ता है और परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। यहाँ पे कोई भी एग्जाम हो, आईएएस हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सारा एग्जाम निकलना शुरू हो जाता है। तो ये है कर जो मोस्ट सीरियस स्टूडेंट्स जो फेल करते हैं, 90% 99% स्टूडेंट जो है इसी जोन में रहते हैं। जुड़े रहिए पार्ट टू के लिए, पार्ट टू में हम लोग इसका स्ट्रैप से निकलने का तरीका बताएंगे।